प्यारे बच्चों, अब हम इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्ज़ाम्स का ज्योमेट्री का सिलेबस देखते हैं। उसमें है पहला कि मुतवाजी खतूत बनाना, दिए हुए ख़त के ऊपर दिए हुए नुक्ते से गुजरने वाला मुतवाजी ख़त बनाइए। दिलेल्या बिंदु पासून दिलेल्या रेशेला समांतर रेशा काटने। टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। सवाल देखते हैं। सवाल आसान है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर कितने के कुछ फासले पर नुक्ता पी है। नुक्ता पी से कितना ए बी के मुतवाजी ख़त बनाइए। 5 सेमी लांबी चा ए बी या रेशे पासून काही अंतरावर पी हा बिंदू दिला आहे। पी बिंदू पासून रेशा ए बी ला समांतर रेशा काढा। पॉइंट पी इज एज सम डिस्टन्स फ्रॉम लाइन ए बी विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी फ्रॉम पॉइंट पी। ये हम एक रेशा इन एक लाइन बना रहे हैं। ये हमने बगैर गिने हुए लाइन बनाए। प्रकार के अंदर हम 5 सेंटीमीटर का फासला लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला लिया हमने। ये प्रकार की नोक इस खत के किसी एक नुक्ते को सिलेक्ट करके रखे और ये कॉस खींचे। ये जहाँ कॉस ने इस लाइन को कट किया उसको सेंटर माने और जहाँ पहले रखे थे वहीं से पास करें। ये दूसरा कॉस। ये हमारे पास लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर बन गई। ये मैं आपको डार्क दिखने के लिए इस पेन का इस्तेमाल कर रहा है, आपने पेपर में मत करना। अब यहाँ से इस खत से कहीं दूर पॉइंट पी है। आपको इस पॉइंट पी से एक ऐसी लाइन गुजारना है, ऐसी लाइन पास करना है जो लाइन ए बी के समांतर हो, यानी लाइन ए बी से के मुतवाजी हो। अब उसका आसान तरीका देखते हैं। अब मैंने कोशिश ये किया कि नुक्ता ए के ऊपर मैंने पी नुक्ता बनाया। अब मैं क्या करूँगा, ये ए बी जो 5 सेंटीमीटर का मेरे पास में प्रकार में फासला था वही फासला कायम रखूँगा। नुक्ता पी पे प्रकार की नुक रखूँगा और ये एक कॉस ऐसा खींचूँगा, यानी ये पी और ये कॉस का फासला 5 सेंटीमीटर है। फिर मैं ए और पी इतना फासला लूँगा, और ये जितना फासला है नुक्ता बी पे रखकर उसको कतः करूँगा। यहाँ ये जो दोनों कॉस ने एक दूसरे को कतः किए, यहाँ से जो लाइन गुजरेगी पी और ये दोनों नुक्तों को मिलाने पर, वो लाइन इस लाइन ए बी के मुतवाजी होगी। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों का ये दरमियानी फासला है उमूदी फासला हर जगह यकसा है। ये हो गया इसकी समांतर रेशा, ये मुतवाजी खतूत आते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा सवाल, आइए सिलेबस का दूसरा हिस्सा देखते हैं हम, कि दिए गए खत से दिए गए फासले पर मुतवाजी खत बनाना। दिलेल्या रेशे पासून दिलेल्या लांबी इतक्या अंतरावर दिलेल्या रेशेच्या समांतर रेशा काढणे। टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट। सवाल है इसका कि किता ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर से 8 सेमी लांबीच्या रेशा ए बी पासून 4 सेमी अंतरावर ए बी या रेषेला समांतर रेशा काढा। ड्रॉ ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। आइए रफ स्केच बना के बताता हूँ। ये एक आपने लाइन खींचे, इसके ऊपर प्रकार में 8 सेंटीमीटर का फासला लेके दोनों कोस खींचे और ये लाइन ए बी आपने ड्रॉ की, ये 8 सेंटीमीटर। अब इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको मुतवाजी खत यानी पैरेलल लाइन बनाना है समांतर रेशा। तो आप ये यहाँ प्रकार की नोक रखो नुक्ता ए पर और इस पर परपेंडिकुलर खींचो। हम पुराने तरीके से खींचते हैं, दोनों साइड में कॉस खींचो एक एक कॉस और वो आधे ज़्यादा फासला लेके ये एक परपेंडिकुलर बनाइए। वही अमल यहाँ पर करेंगे आप, और ये दोनों परपेंडिकुलर के ऊपर प्रकार में 4 सेंटीमीटर का फासला लेके पहले ए पर नुक्ता रख के कॉस खींचो, फिर बी पर नुक्ता रख के कॉस खींचो और इनको मिला दीजिए। ये जो हासिल होंगी ये लाइन आपकी इस ए बी के पैरेलल रहेगी। आप इसको अपने तौर पर नाम सी और डी दे सकते हैं। ये देख लीजिए, ये हम लाइन खींच रहे हैं। ये प्रकार में 8 सेंटीमीटर का फासला लेंगे पहले
यहाँ पर प्रकार के नुक रखेंगे, ये एक कोस खींचेंगे, फिर इसी को दूसरा कोस, ये आपका ए बी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रकार के नोक नुक्ता ए पर रखो और दोनों साइड में दो कोस खींचो मसावी फासले पर, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ये दोनों को सेंटर के तौर पे इस्तेमाल करो, आधे से ज़्यादा फासला लो। प्रकार में ये कोस खींचा आपने और ये दूसरा कोस, ये जो है आपने नुक्ता ए पर परपेंडिकुलर बनाया, वही अमल नुक्ता बी पर करेंगे। ये दोनों साइड में मसावी फासले पर सेम डिस्टेंस दो कर आर्क लिए, ये दोनों आर्क को सेंटर माने, आधे से ज़्यादा फासला लिए। प्रकार में ये एक कोस, ये दूसरा कोस। जब यहाँ पर नुक्ता रहा तो ए की साइड में कोस खींच सकते हैं, यहाँ नुक्ता नहीं रहा तो आपको दोनों साइड में कोस खींचना रहता है, इनको मिला दीजिए। अब ये दोनों 90 डिग्री के यहाँ पर हो गए। अब आप प्रकार में 4 सेंटीमीटर का फासला लीजिए, पहले सेंटर ए लो, ये कोस खींचो, तो नुक्ता बी पे रख के ये दूसरा कोस खींचो, और ये जो दोनों जो नुक्ते मिल गए इसको आप अपने तौर पर सी और डी नाम दे दीजिए। नुक्ता सी और डी को मिलाएंगे तो ए बी लाइन के पैरेलल आपको मुतवाजी खत यानी समांतर लाइन मिल जाएगी, समांतर रेशा। ये आपकी शक्ल हो गई, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आप आसानी से इसको बना सकते हैं।